प्रिपरेशन ऑफ हेलो वेलकम का दोस्त नेक्स्ट रिएक्शन है आपका बेंजाइलिक हेलोजिनेशन ऑफ अल्किन। ठीक है दोस्त, जब अल्किन के बेंजाइलिक कार्बन पर हेलोजन को जोड़ना है हाइड्रोजन एटम को हटाकर, तो उसी को बोलते हैं बेंजाइलिक हेलोजिनेशन ऑफ अल्किन। ठीक है दोस्त, सबसे पहले हम बेंजीन का रिंग बनाते हैं, यो कि आपका बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। इसी कंपाउंड के बहुत फेमस नाम है आपका टॉल्विन। जब बेंजीन के रिंग पर मिथाइल ग्रुप लगा रहता है तो उसी को बोलते हैं टॉल्विन। ऐसी के एक और नाम है मिथाइल बेंजीन। रिएजेंट के रूप में दोस्त ब्रोमीन को लिया गया और हाई टेम्परेचर के रूप में 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो CH3 को लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड H। हाइड्रोजन मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो हाइड्रोजन ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब बेंजीन के रिंग पर CH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये बन गया आपका बेंजाइल ग्रुप। यहाँ पर दोस्त बेंजीन के रिंग पर लगा दिए CH2 ग्रुप, ये हो गया बेंजाइल ग्रुप, और इस बेंजाइल ग्रुप में जुड़ गया ब्रोमो ग्रुप। यहाँ पर जुड़ गया ब्रोमो ग्रुप, तो बेंजाइल ग्रुप में लग गया ब्रोमाइड, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर CH3 था दोस्त, यहाँ पर लगा दिया CH3, रिएजेंट ब्रोमीन था तो यहाँ पर ब्रोमीन बना दिया। देखिए दोस्त, इस केमिकल रिएक्शन को आखिर पढ़ेंगे कैसे। जब टॉल्विन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं हाई टेम्परेचर के रूप में 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लेने पर, तब बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होता, और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होने के कारण मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजाइल ब्रोमाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब दोस्त नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग, बना दिए बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए इथाइल ग्रुप, ये हो गया आपका इथाइल ग्रुप। रिएजेंट के रूप में ले लिए क्लोरीन और हाई टेम्परेचर के रूप में लेंगे 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब देखिए दोस्त, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को फैला कर लीजिए। हाइड्रोजन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। और देखिए दोस्त, बेंजाइलिक कार्बन पर एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिख दिए है और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए CH ग्रुप, और CH पर एक बॉन्ड खाली है, CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पर लगा दिए CH3 ग्रुप। अब इस खाली बॉन्ड में जुड़ जाएगा क्लोरो ग्रुप, यहाँ पर लगा दिए दोस्त क्लोरो ग्रुप। अब देखिए दोस्त, ये हो गया आपका अल्काइल ग्रुप, इसका नाम हो गया क्लोरो इथाइल, कहां से खोल के लाए, वन पोजीशन से। इस पूरे ग्रुप का नाम हो गया वन क्लोरो इथाइल, और ये है आपका बेंजीन का रिंग, तो यहाँ पर लिखी है बेंजीन। नंबर अल्फाबेट है, तो यहाँ पर लगा दिए हाइफन, तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया वन क्लोरो इथाइल बेंजीन। रिएजेंट के रूप में क्लोरीन था तो क्लोरीन ले लिए, यहाँ पर आपका CH2 ग्रुप लगा हुआ था तो CH2 ग्रुप लगा दिए। देखिए दोस्त, दो कार्बन के अल्काइल को इथाइल बोलते हैं, इथाइल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, बेंजीन के रिंग पर, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका इथाइल बेंजीन, यहाँ पर लिख दिए इथाइल बेंजीन। और रिएजेंट है आपका क्लोरीन, यहाँ पर लिख दिए क्लोरीन। अब इस केमिकल रिएक्शन को देखिए दोस्त कैसे पढ़ेंगे। जब इथाइल बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं हाई टेम्परेचर के रूप में 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लेने पर, तब बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होता है
और बेंजाइलिक हैलोजिनेशन होने के दौरान मेन प्रोडक्ट के रूप में वन क्लोरोइथाइल बेंजीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। आपका दोस्त फुल एचडी में बेंजाइलिक हैलोजिनेशन ऑफ अल्किन खत्म हो गया। तो दोस्त चीते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया सकता।